हेलो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों के बाद रेसिपी लेके आई हूँ और ये है मेरे किचन गार्डन से पालक और ये लाल वाला साग। ये दोनों को 50-50 करके मैं लूँगी और इसका एक अच्छा सब्जी बनाऊँगी कुछ वेजिटेबल्स डाल के। तो पहले साग को निकाल लेते हैं। ये रहा साग, इनको अच्छे से वॉश करना है और काटना है, इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके काटना है। और इस पर यहाँ पर हम मैंने अरवी, आलू और बैंगन, केला इनको काट के रखी हूँ। ये रहा साग, पहले एक बोल को चढ़ाते हैं गैस के ऊपर और उसमें एक ग्लास पानी, साथ में नमक और हल्दी भी, थोड़ा सा ढक देंगे। जैसे गर्म हो जाएगा पानी, उसमें डालेंगे आलू और अरवी। हम उधर शिफ्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम ग्रेवी बनाएंगे। ये रहा काली मिर्च, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा दालचीनी, ये टमाटर को प्यूरी बनाएंगे। अभी ऑलमोस्ट ये बॉयल, आधा बॉयल हो चुका है। अभी डालेंगे बैंगन और केला। अभी इस कढ़ाई में थोड़ा सा जाएगा रिफाइंड ऑयल। ये रहा उड़द दाल का बड़ी, थोड़ा सा इसको फ्राई करके निकालना है और उसी तेल में अभी डालेंगे जीरा, साथ में पिसी हुई मसाला। मसाले को अच्छे से भूनना है। ये रहा दालमा पाउडर रुचि का, तो ये था, इसको मैं अभी इस यहाँ डाल रही हूँ। नहीं तो आप इसके बदले जीरा धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ में थोड़ा सा हल्दी, अच्छे से भूनकर उसमें साग डालना है। और मैंने उस बड़ी को वो बॉयल वेजिटेबल्स में भी डाल दी। अच्छे से चलाकर उसको 5-7 मिनट के लिए ढक देना है। वो बॉयल हो चुका है। और ये रहा एक नारियल, उसको ग्राइंडर में मैंने कद्दूकस कर दी। साग अभी ऑलमोस्ट हो चुका है, उसमें बॉयल वेजिटेबल्स को डालना है। अच्छे से चलाकर उसमें फिर कद्दूकस किया हुआ नारियल को डालना है। थोड़ा सा पानी डालकर, ठीक हो गया था इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला और अच्छे से मिलाकर एक उबाल देके गैस बंद करना है। और ये गर्मा गर्म चावल के साथ, रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये रहा आप सभी के लिए। थैंक यू।